नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का बी है, और ये हमारा बहुपद चैप्टर का सेकेंड क्लास है। सवाल नंबर 1 है कि दिए गए बहुपदों के समूह का योगफल ज्ञात करें एवं प्रत्येक परिमाण का घात बताइए। तो ये जो बहुपद दिया गया है इसका क्या कह रहा है कि पहले तो योगफल निकालना है, उसके बाद जो योगफल निकलने के बाद जो हमारा योगफल होगा उसका घात लिखना है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही उसका लिखना है। तो देखिए, बहुपद का रूप जो दिया गया है वो क्या है, वाई पे पावर 6 माइनस 3 वाई पे पावर 4, और इसमें जोड़ना है वाई पे पावर 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर। तो देखिए, 6 वाला पावर वाला तो कुछ नहीं है, तो जोड़ेंगे क्या इसमें, प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 6 और प्लस y³। ये अलजेब्रा का क्या है, जोड़ है, और अलजेब्रा के जोड़ में क्या होता है, इसमें जो चरपद होता है वो अपने आप को, जो चरपद वो है उसी के तरह का अगर उसको चरपद मिले तो अपने आप को उसमें जोड़ता है, अगर उसके तरह का चरपद उसके पास नहीं है तो वो अपने आप को उसके साथ जोड़ता नहीं है, बल्कि प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ अपने आप को उसके साथ रखता है, उसमें अपने आप को जोड़ेगा नहीं, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ अपने आप को उसके साथ रखता है। तो देखिए, यहाँ इस पे पावर 6 है, लेकिन नीचे वाले में एक भी पद ऐसा नहीं है जिस पे कि वाई पे पावर 6 हो, तो कोई पद नहीं है, तो ये वाई पे पावर 6 लिख देंगे, यहाँ वाई पे पावर 6 हो गया। अब प्लस है यहाँ देखिए, और यहाँ माइनस है, यहाँ वाई पे पावर 4 है, यहाँ भी वाई पे पावर 4 है, तो ये दोनों देखिए एक जैसा है। कैसे है, क्योंकि इसके वाई पे भी पावर 4 है और इसके वाई पे भी पावर 4 है, दोनों एक ही तरह से है, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, घट जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रखता है, जो बड़ा हो। तो यहाँ है 3 और यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, 3 में 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, 2 वाई पे पावर 4। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में 1 घटा दिए तो 2 हो गया। अब चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा किसका, जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बड़ा 3 है, तो 3 के सामने माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस लिख दिया। अब देखिए, यहाँ है 2y² और यहाँ है प्लस 6 और प्लस y पे पावर क्यू, इन सब के लिए ऊपर पे कोई भी पद नहीं दिया गया है जिसके साथ कि इसको जोड़ सकते हैं, तो अब ये क्या करेगा, अपने आप को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ इसी के साथ रखेगा, तो इस सबको सीक्वेंस वाइज उतार देंगे तो हो जाएगा 2y² माइनस 6 प्लस y³। अब इसमें ये क्या हो गया, ये जो निकला ये हमारा योगफल हो गया, योगफल क्या निकला, y पे पावर 6 माइनस 2y पे पावर 4 प्लस 2y² माइनस 6 और प्लस y³। अब कह रहा है कि इसका घात लिखने के लिए, तो घात क्या हो जाएगा, तो घात, घात बराबर क्या हो जाएगा, घात अगर सिर्फ घात लिखने कहा जाए तो उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है वही घात उसमें लिखाता है, अगर सिर्फ घात लिखने के लिए कहा जाता है, अगर इसमें जो सबसे बड़ा घात है वही लिखेंगे, तो देखिए ये 2 है 3 है 4 है और 6 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6, घात बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6। इस तरह से ये सवाल नंबर 1 हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। लेते हैं इसी में सवाल नंबर बी को। बी है हमारा 4 - 2u² -u² प्लस 4u प्लस 3 और 3u² माइनस 3u प्लस 6। तो इसमें 3 पद दिया गया है, 3 पद वाला योग है ये, इसमें तीनों पद को एक साथ ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इसको 4 - 2u². अब देखिए, दूसरे पद को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, u² वाला पद है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माइनस u² प्लस 4u और प्लस 3,
और फिर जाके ये तीसरे पद में भी यू स्क्वायर से ही शुरू है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, इसमें तो माइनस था इसलिए इसमें माइनस हुआ, इसमें माइनस हुआ, लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे थ्री यू स्क्वायर और माइनस थ्री यू प्लस छ, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका चार इधर है, इधर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस के साथ है, इसको यहाँ से इरेज करके हम प्लस के साथ इधर लिख सकते हैं चार, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ हम लोगों ने जगह को बदला है, ना इसके मान को बदला है, ना इनके चिन्हों को बदला है, सिर्फ क्या बदला है, इसके जगह को बदल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जैक्ट इसको इसी जगह पे लिखते हैं प्लस फोर, तो देखिए अब क्या हो गया, ये एक जोड़ की तरह है, यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें U वाला कोई पद नहीं दिया गया था, इसलिए इस जगह पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, यू स्क्वायर तीनों में है, मतलब ये तीनों क्या है, एक साथ जुट सकता है या घट सकता है, क्यों, क्योंकि तीनों में यू स्क्वायर है, इसलिए ये तीनों आपस में क्रिया कर सकता है। तो ये और ये दोनों क्या है, माइनस में है, जबकि ये क्या है, प्लस में है, ये दो है और यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो दो और एक तीन हो गया, माइनस तीन है और प्लस तीन है, तो प्लस तीन और माइनस तीन में क्या हो जाएगा, प्लस तीन माइनस तीन आपस में कट के खत्म हो गया, ये पूरा पद ही कट के खत्म हो गया, तो इसको ऐसे काट दिए। अब क्या बचा, अब बचा है यू वाला पद और सिर्फ अचर पद, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसके पास तो ये पद ही नहीं है, ये खाली जगह है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, चार में तीन को घटा देंगे तो क्या बचेगा, एक यू हो गया, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, घट तो गया, चिन्ह किसका रखेगा, प्लस का रखेगा, क्यों रखेगा, क्योंकि चार तीन से बड़ा है, तो चार के पास जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा इसमें भी, तो यहाँ प्लस एक यू हो गया, एक यू हो गया, और फिर लास्ट में इन सब पदों को जोड़ेंगे, इसमें यू वी जेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ संख्यात्मक मान है, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तीनों प्लस में है, तो छ तीन नौ और चार तेरह हो गया, प्लस तेरह, क्या मान आया, प्लस एक यू और प्लस तेरह, या इस प्लस को हटा देंगे तो क्या कह सकते हैं, एक यू प्लस तेरह। अब इसका घात लिखना है, घात तो सब में लिखने का आ जा रहा है, तो घात बराबर इसमें क्या हो जाएगा, अब इस पर कोई घात नहीं है, देखिए इस पर कोई पावर दिया है, दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह, कोई पावर नहीं दिया हुआ है, जब कोई पावर नहीं है तो इसके पास घात क्या है, एक छिपा हुआ है, तो घात के जगह पे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और योगफल क्या हुआ, योग, योगफल बराबर क्या हो गया हमारा, वन यू और प्लस तेरह, योगफल आ गया वन यू प्लस तेरह, और घात बराबर क्या आ गया, वन। इस तरह से ये सवाल नंबर वन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।